हेलो स्टूडेंट, हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले दो चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस तरह से मनुष्य ने बसना शुरू किया, शहर बनने जैसे प्रोड्यूसर बना, वो खेती करने लगा, सेटल्ड हुआ। सेटल होने के बाद छोटे छोटे कबीलों में उसका जीवन शुरू हुआ, गांव बने और अब सॉरी ऐसी ऐसी खुदाई से ऐसे ऐसे शहर मिले हैं जिससे पता चलता है कि वर्तमान की तरह जो 2000-3000 साल पहले जो सभ्यता थी वो भी पूरी तरह से विकसित थी, डेवलप्ड थी। और डेवलप्ड यहाँ का यहाँ मतलब है कि वहाँ भी अन्न संग्रहण के लिए घर बनाए जाते थे, अलग से ग्रीनरी हाउस बनाए जाते थे, घर उनके बड़े आधुनिक टाइप के हैं, नालियां पक्की थी, सड़कें चौड़ी थी और व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जैसे व्यापार के लिए पोर्ट होते हैं बंदरगाह, उन बंदरगाह पे एक जगह है गुजरात में धोलावीरा, वहाँ डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मैंने जहाज को खड़ा करने की जगह मिली है जहाँ वस्तुएं चढ़ाई या उतारी जाती हैं जहाज़ों में। और भारत की मोहरें दूर मेसोपोटामिया में मिली हैं, तो इसका मतलब ये है कि व्यापार इतनी दूर दूर तक फैला हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या मिला है और उससे हमने क्या क्या अनुमान लगाए हैं कि उस समय का जीवन कैसे होता होगा। ये दो लड़के हैं, जसपाल और हरप्रीत, वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु आर एडमायरिंग द डाइलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग्स दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। देखो ये खेल रहे हैं, इन्हें ओल्ड बिल्डिंग दिख रही है, बड़े इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ये बड़ा हॉन्टेड प्लेस लगता है, डरावनी जगह लगती है। लुक एट द आर्किटेक्चर, पुराने महल हवेलियां अगर बच्चे देखोगे तो आज वो हमें बड़े शानदार लगेंगे। अगर लाल किला आप देखोगे, ताजमहल, उस टाइम जब हम अपने आप को आज बहुत विकसित मानते हैं, उस जमाने में भी किस तरह का आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट मैंने बच्चों होती वास्तुकला, जिस डिज़ाइन के आधार पर आपके घर बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर। जो भवनों का निर्माण करते हैं, नक्शे बनाते हैं, उनके रोड पुल आदि के नक्शे बनाते हैं, उन्हें आर्किटेक्चर कहते हैं। वास्तुकला, सेड वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने कहा देखिए इसकी आर्किटेक्चर कितनी बढ़िया है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, और क्या आप देख रहे हो कि किस तरह से एक लकड़ी को कर्व किया हुआ है, कर्व मैंने तरासा गया है, जैसे फूल पत्तियां निकाल देते हैं ना। आस्कड वन ऑफ द वोमन ने पूछा, वी मस्ट राइट द मिनिस्टर सो दैट सी मेक अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस। हम मिनिस्टर्स को इस बात के लिए लिखेंगे कि इस ब्यूटीफुल घर को प्रिजर्व करें, उसकी रिपेयरिंग करें, मरम्मत करें और इसको बचा कर रखें। बहुत सारे अगर आप विजिट करोगे, बहुत सारे गांव में ऐसी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी हुई हैं जहां पर जिनको संभालने की अब ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाएंगी तो उनके साथ ही जो पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वाइद और हमारी सरकार लगी हुई है कि किस तरह से इन जो पुरानी चीज़ें उनको सहेज कर रखा जाए। इस तरह के जो मकान, इस तरह की बिल्डिंग्स जो होती हैं उन्हें नेशनल हेरिटेज बना दिया जाता है। नेशनल हेरिटेज का मतलब होता है राष्ट्रीय विरासत, और फिर इनको संभालने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, सरकार की हो जाती है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, बच्चों हड़प्पा देख लो कहाँ है। सबसे पहले तो आपको लोकेशन हर चीज़ की पता होनी चाहिए। ये आपका भारत है, लेकिन भारत में हड़प्पा नहीं है, आपको पता है। ये आपकी जाती है सिंधु नदी थोड़ी सी इधर से जाती है, और भारत की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है जो अभी पाकिस्तान में है। और उसके बाद आपको मोहनजोदड़ो भी मिलेगा,
और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों ही जगह पाकिस्तान में है। सबसे पहले जो पुरानी टूम्ब्स नजर आए थे, कोई अंग्रेज था कर्नल टॉड, वो रेलवे की रेकी करने के लिए गया था कि रेलवे कहाँ कहाँ से निकाली जाए। तो उन्होंने कुछ वुंड देखे, कुछ ढेर देखे मिट्टी के, और जब खोदे तो एक पूरी की पूरी सभ्यता दिखाई दी। उस टाइम भारत एक ही होता था, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है, तो उस टाइम अंग्रेज और भारत और पाकिस्तान दोनों के ही शासक थे क्योंकि देश ही अलग था। तो सबसे पहले जो सभ्यता खोजी गई वो हड़प्पा में खोजी गई। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल। देखो बच्चों, कभी भी ओल्ड बिल्डिंग को आप ऐसे ही महत्वहीन समझकर मत छोड़ो। इनके पीछे कुछ कहानियाँ होती हैं, इनकी एक अपनी लंबा इतिहास होता है। अगर आप राजस्थान में जाओगे तो इतने सारे किले आपको, महल, किले, बावड़ियाँ, पानी को स्टोर करने के टांके वगैरह आपको मिलेंगे, जो पुरानी चीज़ें हैं। वो अपने आप में एक स्टोरी कहते हैं कि ये किला किसने बनवाया होगा, कब बनाया होगा, कि किस कितने लोग लगे होंगे, किस राजा ने बनवाया होगा, किस डर से बनवाया होगा, इस पर किस किस ने हमले किए होंगे। जैसे एक भरतपुर में जाट राजा होते थे चूड़ामल, ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने सारे किले तोड़ दिए थे, लेकिन चूड़ामल का किला जो नहीं टूटा था, क्यों? क्योंकि ये जो किला था ये कच्ची दीवारों का बना हुआ था, मिट्टी का, और जितने गोले बरसाए गए ये जा जा के इसी में लग गए। तो इस तरह से क्या है, एक कहानी होती है किले के पीछे। हनुमानगढ़ जाओगे आप, सिरसा से आगे हनुमानगढ़ राजस्थान में, वहाँ ये कहते हैं जब गोले ख़त्म हो गए थे तो वहाँ से दुश्मन के खिलाफ चांदी के गोले चले थे। मतलब लोगों ने अपने घर की चांदी दान में दे दी थी ताकि राजा अपनी रक्षा कर सके, चांदी के गोले दागे गए थे। तो इस तरह से वो एक स्टोरी बन गई थी, चांदी के गोलों वाला किला जो है वो हनुमानगढ़ का किला है। तो हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है। जैसे आप जाओगे रणथंबोर या कुंभलगढ़ के किलों में, या आप जाओगे चित्तौड़ में जो राणा प्रताप की राजधानी थी, उन्होंने कितना लंबी लड़ाई जो है अकबर के खिलाफ लड़ी थी। बहुत बुरे दिन उन्होंने वहाँ देखे, और अपनी जो नई राजधानी चावंड, वो वहाँ रहने लगे अपना परिवार के साथ, राजमहलों के सुख छोड़कर। तो एक पूरी की पूरी दास्तान होती है इन हवेलियों, इन बिल्डिंग्स के पीछे। जब कभी देखने जाओ तो इनको ये मत समझो कि ये पत्थर हैं और टूटी हुई ईंटें हैं। किसी बड़े से जानने की कोशिश करो, नेट से सर्च करो कि इसका इतिहास क्या रहा है, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी ना। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव स्टोरी टेल्स नियर बाई 150 ईयर अगो। 150 साल पहले व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, पंजाब में 150 साल पहले जब रेल की लाइनें बिछने लगी थी, इंजीनियर स्टबल्ड अपन द साइट ऑफ हड़प्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और जो इंजीनियर थे वहाँ गए थे जो रेकी करने के लिए, उन्होंने हड़प्पा वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा में जो बहुत सारे स्टबल्स देखे। टू दैम इट सीम्ड लाइक ए माउंड, ये एक माउंड की तरह, माउंड का मतलब ऊंचे टीलों की तरह थे ऐसे। दैट वॉज ए रिच रिसोर्स सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या चाहिए थी, उन्हें ईंट चाहिए थी। उनके पास जो इस वुंड में जब खुदाई करी इन्होंने, तो रेडीमेड तैयार जो ईंटें मिली वो क्या था, सो दे कैरिड ऑफ 1000 ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। और हजारों ईंटें उसने उनकी दीवारों से निकाल ली रेलवे लाइन के लिए। मैनी बिल्डिंग वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जिसके कारण बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो ख़त्म हो गई। देन अबाउट 80 ईयर अगो आर्चियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। उसके बाद 80 साल बाद आर्चियोलॉजिस्ट वहाँ गए और उन्होंने एक साइट स्थान मिला, प्राचीन जगह जहाँ कुछ न कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, उन्हें साइट बोलते हैं भाई।
एंड रियलाइज दैट द आर्कियोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं बच्चों, इसका हिंदी में मतलब है पुरातत्वविद, पुरातत्वविद इसका मतलब जो पुरानी चीजों के विद्वान होते हैं, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं, पुरानी चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितने साल पुरानी है, कहाँ की है, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। उन्होंने तो वहाँ गए और उन्होंने ओल्डेस्ट साइज इन द सब कॉन्टिनेंट, और जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया आ जाता है, ये सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी साइट थी। कौन सी? हड़प्पा। कहाँ है? पाकिस्तान में। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ये पहला सिटी था जिसको डिस्कवर किया गया, जिसको पाया गया। ऑल अदर साइट फ्रॉम वर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब एज हड़प्पन। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फिर क्या भारत, सारे भारत में और सब कंटिनेंट में पाई गई, और इन सभी को एक नाम दिया गया, हड़प्पन संस्कृति की चीज़ें। मान लो देखो, हमारे देश में आप अगर मैप, यहाँ आपका होगा अवेलेबल तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, पिछले चैप्टर में भी मैप करवाया था जिसमें हड़प्पन कालीन की चीज़ें मिली हैं। यहाँ हरियाणा है, यहाँ बनावली है, एक जगह है बनावली हिसार में, राखी गढ़ी हिसार में, कुणाल कुरुक्षेत्र में, भिवानी में मित्ताथल। इसी तरह जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगह हैं, पंजाब में लुधियाना के पास एक जगह है, इसी तरह गुजरात में धोलावीरा नाम की है, पाकिस्तान में मेहरगढ़ जैसी जो है जगह है, कालीबंगा है, कालीबंगा गुजरात में है जैसे, तो बहुत सारी आलमगीर हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, ये बहुत सारी जगह जो है वो उस काल की चीज़ें मिली हैं, जिन्हें हड़प्पन काल की चीज़ें भी बोल देते हैं सबको इकट्ठी मिला करके। तो दिस साइट डेवलप अबाउट 4,700 ईयर, 4,700 साल पहले ये चीज़ें, मतलब एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कह सकते भाई, जब बड़े हो गए तो आप बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ोगे तो ये भी पढ़ोगे कि ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। कुछ ने कहा कि ये सभ्यताएं 10,000 से 12,000 साल पुरानी है, कुछ ने कहा कि ये सभ्यताएं 3,500 से 2,800 साल पुरानी है, कुछ ने कहा कि ये 2,800 से 1,200 साल पुरानी है, मतलब इसके बारे में लोग एकमत नहीं है। रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स उन्हें मिली और इस तरह से उन्होंने बहुत जो बिल्डिंग्स थी उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉयड कर दिया था। अब क्या था, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व द ओल्ड बिल्डिंग? कई बार ओल्ड बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी का को ख़त्म कर दिया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि क्या ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ों को बचा कर रखा जाए? बिल्कुल ज़रूरी भी है, लेकिन कई बार नीड भी हो जाती है आवर की कि पुरानी बिल्डिंग को गिरा कर नई बिल्डिंग बनाई जाए। What was special about this site? अब ये कहता है ये जगह मिली है हड़प्पा, उनकी स्पेशलिटी क्या थी, मतलब उसमें ऐसा क्या था जिस जो हमें जानना चाहिए। Many of these sites were divided into two or more parts. देखो ऐसे थी, ये बिल्डिंग है ऐसे ऐसे पार्ट्स में बटी हुई है, रेक्टेंगल शेप में है, ये चतुर्भुज टाइप में, ठीक है। Usually the part of the west was smaller but higher. देखो ये जो buildings हैं, ये sites हैं, ये site दो भागों में बटी हुई है, जैसे यहाँ एक site दो भाग हैं, एक site इधर higher side पे है, higher है लेकिन छोटी है, और एक site यहाँ बड़ी है लेकिन नीचे स्थान पे है। बच्चों अनुमान लगाओ ऐसा क्यों था? देखो हाई स्थान पर इनका राजा रहता होगा जो छोटे से परिवार के साथ या मंत्री संतरियों के साथ रहता होगा, यहाँ पूरा का पूरा गांव या शहर बसता होगा, ये निचले स्थानों पर रहता होगा, ये अनुमान है, कोई वो नहीं है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ ब्रिक्स द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, जो ईस्ट का था
मतलब ये इस तरह ईस्ट था और यहाँ जो था ये वेस्ट था, यहाँ छोटे स्थान थे वो लोअर था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ ब्रिक्स बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और दोनों पार्ट्स के चारों ओर भाई पक्की ईंटों की दीवारें थी। उसके बाद बेक्ड मैंने सिकी हुई पक्की, द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड 4,000 ईयर्स। इतने अच्छे ढंग से ईंट पकी हुई थी कि हजारों साल तक भी वो चलती रही। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न, इंटरलॉक पैटर्न में बनाई गई थी। जैसे ये मान लो इसका जो हिस्सा है ये कर दिया जाए, दूसरी ईंट यहाँ ऐसे, तो ये इंटरलॉकिंग होती है, जैसे आपकी गलियां बनी होती है ना इंटरलॉकिंग से, वो इस तरह से पैटर्न से बनाई गई है, जिससे वॉल जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। इन सम सिटीज़, कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, जैसे फॉर एग्जांपल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा टैंक मिला जिसके में ये अनुमान लगाया जाता था कि धार्मिक उत्सव जब होते थे, जैसे कि कोई भी त्यौहार होता है उस पर लोग इकट्ठे यहाँ नहाने आते होंगे। जैसे आपके कुरुक्षेत्र में अमावस के ग्रहण, सूर्य ग्रहण के टाइम लोग नहाने जाते, इस तरह से कोई टैंक था। विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसने पुरातत्वविदों ने इसे महान बाथ, स्नान घर कहा है, वाज बिल्ड इन द एरिया ऑफ। अब कुछ बातें हैं, ये ग्रोसरी वर्ड पढ़ लेते हैं। दिस साइट वर फाउंड इन द पंजाब, ये मैंने आपको साइट बताई थी कहाँ कहाँ मिली है, पंजाब में मिली है। पंजाब देख लेते हैं, यहाँ मिली है। गुजरात में नीचे आ जाते हैं, गुजरात, गुजरात के सिंध जो प्रांत है, सिंध अब पाकिस्तान में चला गया है भाई, इधर सिंध में है। राजस्थान, हरियाणा में मैंने बताई दिया आपको, कालीबंगा जैसे राजस्थान में है, हरियाणा में है, बनावली, राखीगढ़ी, पंजाब में है, लुधियाना के पास। आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन द ऑलमोस्ट ऑफ द सिटी, और इनमें कुछ ना कुछ अलग सी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, किसी में हल जोतता किसान मिला है, किसने कहीं पर बिल्ली जो है, कुत्ते और बिल्ली का पराक्रमण दिखाया गया है, कहीं जुते हुए खेत प्लगिंग फार्मिंग मिली है, कहीं जले हुए दाने मिले हैं, कहीं बकरी के साथ दफनाए हुए शव मिले हैं, कहीं अभी राखीगढ़ी में पीछे एक वो मैन और वोमेन का इकट्ठा शव मिला। इससे पता चलता है कि वहाँ सती प्रथा हो सकती है, क्योंकि पति के साथ औरत को जिंदा जला दिया जाता था ना पहले, तो इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। कई गहने मिलते हैं, कई उनके दफन के साथ ये पता चलता है कि ये रिच था या गरीब था। तो पेंटेड पोटरी मिली है, पेंटेड पोटरी का मतलब होता है घड़े जो पेंट किए हैं, जैसे कुम्हार गढ़ता है ना घड़े और पेंट करता है, तो इस तरह से ब्लैक डिजाइन के, रेड डिजाइन के पॉलिश किए हुए सील मिले हैं, स्पेशल बीड्स, बीड्स मैंने मन के मिले हैं, और चांद तांबे के टूल्स मिले हैं। देखो हम कहाँ थे पहले पत्थरों के टूल्स पर, अब टूल्स किसके बनने लगे, कोपर के। इसका मतलब धातु की खोज आदमी ने कर ली थी, और धातु की खोज से दुनिया बदल गई थी। अब बहुत सारे जो सामान है वो धातु से बनना लगा था, व्यापार का सामान कीमती हो गया था, पत्थरों की तो कीमत बहुत कम थी। ठीक है ना, तो इस तरह से उसके बाद चलते हैं, मोहनजोदड़ो वेरी स्पेशल टैंक मिला है। उसके बाद है दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स, इसमें ये ईंटों से बना हुआ है, कोटेड विद प्लास्टर, प्लास्टर की उस इन ईंटों के ऊपर कोट चढ़ाई हुई है, जैसे भाई सीमेंट की चढ़ा देते हैं, तो इन्होंने प्लास्टर की चढ़ाई हुई है। एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल तार, और इसके ऊपर नेचुरल तार दी हुई है, ले एक वाटर है जैसे प्लास्टर, एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार,
देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड, दोनों तरफ सीढ़ियां हैं जो नीचे लेकर जाती हैं। वाइल देयर वर रूम्स ऑल साइड, चारों तरफ रूम है जैसे कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से पानी आता था। एंड ड्रेनेज आउट आफ्टर द यूज, और यूज के बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टू के डीप इन द दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, और ये लगाया जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि एक स्पेशल ओकेजन पर लोग यहाँ स्नान करने आते होंगे। कहाँ मिला है महान स्नानागार? ये मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आजकल कहाँ है? हड़प्पा, सॉरी पाकिस्तान में। ये भाई पाकिस्तान का मैप है जो ये यहाँ से पूरा ही पाकिस्तान का एरिया आ जाता है। तो ये देख लो आप, जो ये पंच नदियों का जाल है, सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी है। ये सिंधु नदी आती है, सिंधु की में मिलती है आपकी चेनाब, झेलम, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। तो ये बहुत सारी साइट इन पे हैं, क्योंकि नदियां लाइफ सपोर्टिव होती है ना, वहाँ पानी मिलता है ना उनको। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं, ठीक है। राखी गढ़ी को माना जाता है सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा गुजरात में है, सो राजस्थान में है। गेरिया वाला, ये सारा गेरिया वाला। उसके बाद ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। जब ये सारी मिल जाती हैं तो सिंधु मोहनजोदड़ो आता है। सरकोखा, वैसे सुत को जेंडर भी बोलते हैं इसको, ये अफगानिस्तान में आता है भाई। चहुजोदड़ो धोलावीरा गुजरात में, भारत में है। सुतकोटडा ये भी गुजरात में है, सिंध में है ये वैसे, और लोथल ये गुजरात में है, ठीक है। ये आपको याद करने हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी साइट्स हैं, और कौन सी भारत में, कौन सी पाकिस्तान में। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा, दूसरी तरफ दूसरे शहर हैं जैसे कालीबंगा, लोथल गुजरात में है। फायर अल्टर वहाँ जले के निशान मिले हैं। वर सेक्रीफाइस मैनी हैव बिन परफॉर्म्ड, जले के निशान आपको याद है, हमारे यहाँ हवन कुंड होते हैं जहाँ अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर सेक्रीफाइसेस, बलिदान वगैरह दिए जाते हों, या यहाँ पर रिचुअल्स किए जाते हों, मतलब यहाँ पर यज्ञ किए जाते हों। हैव बिन परफॉर्म्ड एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। हड़प्पा एंड लोथल हैज एलेबोरेट स्टोर हाउसेस, और बहुत सारे स्टोर हाउसेस का मतलब यहाँ है अन्नगार है, जहाँ अन्न संभाल कर रखा जाता था। ये देखो भाई, ये घर मिले हैं कितने साफ सुथरे हैं। ये महान स्नानागार की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो में मिला। ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। इसके चारों ओर देखो ये दिख रहे हैं जहाँ पर लोग जो है वहाँ कपड़े वगैरह चेंज करते होंगे। ये देखो, या औरतों के लिए स्नान के लिए बनाए गए हों, या इस तरह से कैसे घर होते थे, कैसी ड्रेन सिस्टम था उनका। ड्रेन सिस्टम का मतलब होता है गंदा पानी जो निकलता है घरों से, उनको कैसी नालियां द्वारा निकाला जाता था, उनकी गलियां कैसी थी, स्ट्रीट कैसी थी। जनरली हाउस वर आइदर वन और टू स्टोरीज, मतलब घर दो या एक मंजिले होते थे। विद रूम्स बिल्ड अराउंड द कंट्री साइड, बीच में आंगन होता था, चारों तरफ रूम बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैव सेपरेट बाथिंग एरिया, नहाने का अलग स्थान होता था जैसे बाथरूम वगैरह होता है। और वो हर घर में कुएं मिलते हैं जिससे वाटर सप्लाई होती थी। मैनी ऑफ दिस साइट हैव कवर्ड विद ड्रेन्स, और इन बहुत सारे शहरों में ढकी हुई नालियां थी भाई, जैसे शहरों में होती है ना, गांव में तो अब भी खुली नालियां होती हैं, शहरों में जैसे घर ही नालियां थी,
नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, इट स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में बनी हुई थी, बड़ी केयरफुली ये बनाई हुई थी ताकि जो पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाए। ऑल दो यू कैन सी ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप का मतलब होता है ऐसे लुढ़कना, स्लिप होना पानी, ताकि आसानी से फ्लो कर सके पानी। वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट, घर की नालियाँ स्ट्रीट्स की नालियों से जोड़ दी जाती थी, फिर एक छोटा सा नाला होता, छोटे नाले को बड़े नाले से जोड़कर इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता था पानी, और जो सारी ड्रेन सिस्टम था वो ढका हुआ था, मतलब सफाई, साफ सफाई वाले लोग थे भाई। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स, उनको देखने के लिए होल भी बने हुए थे, प्रोवाइड टू मेट्रवल्स टू क्लीन दैम, ताकि उनकी सफाई भी हो सके। होते हैं ना शहरों में ही इस तरह से सड़कों पर आप होल दिखाई देते हैं। ऑल थ्री हाउस ड्रेन एंड स्ट्रीट, गलियां, घर और स्ट्रेन वर प्रोबेबली प्लांड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, जिससे किसी भी शहर का एकदम से निर्माण होता है ना, शायद प्लानिंग करके इस तरह से बनाए हों। ये देखो भाई, ये घर हैं। लिस्ट एट लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द हाउस डिस्क्राइब हेयर एंड दोज यू हैव स्टडीड अबाउट चैप्टर टू। चैप्टर टू में आपने घर पढ़े होंगे और इसमें घर पढ़े हैं उनके बारे में आपने लिस्ट बनानी है, डिफरेंस बताने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। ये देखो ड्रेनेज सिस्टम कितना बढ़िया है भाई इनका, ढकी हुई नालियाँ हैं। लाइफ इन ए सिटी, शहर की जिंदगी कैसी थी। ए हड़प्पन सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस, बहुत ही बिजी प्लेस है, बिजी का मतलब है लोग यहाँ बहुत ज़्यादा थे संख्या में और उनकी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, वहाँ के शासक नई बिल्डिंग्स का प्लानिंग करते थे। इट इज लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और वो रूलर ही थे जो लोगों को दूर दूर भेजते थे क्या क्या लाने के लिए, कि जाओ वहाँ से धातु लेके आओ, मेटल लेके आओ, वहाँ अच्छे स्टोन मिलते हैं उनको लेके आओ, एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और दूसरी चीज़ें जो वो चाहते थे। दे मे हैव कैप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, उनके पास गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में गहने होते थे, ब्यूटीफुल बीड्स, अच्छे मनके होते थे बहुत सुंदर, फॉर देमसेल्व्स, एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट, मतलब देखो लोग ये जानते थे कि कैसे लिखना है, मतलब लिपि थी, लेकिन उनकी लिपि चित्रों की है भाई, चित्र लिपि है उनकी, पढ़ नहीं पाया अभी तक लोग। जैसे उसने एक हाथी का चित्र बना दिया तो लोग यही नहीं समझ पाए कि ये हाथी का चित्र क्या दर्शा रहा है, ठीक है। हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, बिसाइड देयर मैन एंड वोमैन क्राफ्ट्स पर्सन, यहाँ क्राफ्ट्स पर्सन भी थे, क्राफ्ट पर्सन का मतलब जो जो नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े बनाता है, तो इस तरह से मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह की चीज़ें वो बनाते थे, आइदर इन देयर होम्स, या तो वो स्पेशल अपने घर में ही बना लेते थे या उनकी वर्कशॉप होती थी। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल, लोग दूर दूर जाते और कच्चा माल लेकर आते थे। मान लो कोई लोग रहते हैं धोलावीरा में, उन्हें पत्थर की कोई चीज़ बनानी, तो वो कहाँ आएंगे, राजस्थान में आएंगे जहाँ संगमरमर मिलता है, तो इस तरह से कच्चा माल ले जाकर वो नई चीज़ें बनाते थे। ये देखो जो वो ढका हुआ बता रहे थे ना एक कुआ, मोहन जोदड़ो में ड्रेनेज सिस्टम है और ये ड्रेजन सिस्टम का एक कुआ है जो शहर की ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल से वो
क्या बनाते थे? बहुत सारे टेराकोटाज बनाते थे। टेराकोटा मैंने मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां होती हैं, जिन्हें बाद में पकाया जाता है बच्चों के लिए, टेराकोटा बोलते हैं उन्हें, ठीक है। और आज भी बहुत सारे राजस्थान के गांव में जाओगे, या पहले हमारे वहाँ भी कुम्हार जो है वो टेराकोटा की जगह बनाते थे। अब हड़प्पन शील, दसाइन शील मैंने होती है मोहर। देखो ये मोर मिली है, जैसे आपके सरकार की मोर होती है ना, रुपया देखा है आपने, रुपए पे 3 शेरों वाली वो होती है मूर्ति, वो मोर होती है हमारी। तो इस तरह से सील होती है यहाँ भी, और उस पर कुछ स्क्रिप्ट चित्रलिपि लिखी हुई है। दिस इज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, और ये लिखने का सबसे प्रथम तरीका था, लेकिन ये समझ नहीं पाए हैं अभी तक भी लोग कि ये लिखा हुआ क्या है, और इसलिए हम जान भी बहुत कम पाते। ये जो छोटे छोटे आपने को हाथी घोड़े दिख रहे हो ना, ये टेराकोटा है बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू थैंक यू।